नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए आपको लेने, तो कहे अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आप भैंसे आइए, आप भैंसे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, ऐसे बन के दिखाओ। हाँ? है? अरे चाची चाची नमस्ते नमस्ते, पहला की चाची। हाँ नहीं, ज्यादा बात अभी नहीं किया, यमराज की कोई बात किया बाद में, आप देख लेना उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ चाय बन रही है। पप्पू पकौड़ी ले ले यार। हाँ यार बरसात झमाझम बारिश हो रही है, काल भी छाता छाता उधर रखो, छाता उधर रखो। अबे यार गीले सब जूता चप्पल पहन के चले आ रहे हो, वहां उतारो वहां उतारो। हाँ हम तो एक बात कहेंगे राहुल गांधी से कि भैया जितने कांग्रेसी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, एमएलए वगैरह जो भी हैं बचे कुचे, सबसे मिला करो, सबसे बतियाया करो, हैं? नहीं तो तुम्हारे यहां अभी एक दो एकनाथ शिंदे तैयार हो रहे हैं, हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ तुम्हारे यहां भी शिंदे तैयार हो रहे हैं, इसलिए सबसे मिलो, सबको समय दो, है कि नहीं? हाँ वे झूठ नहीं बोल रहे, टपक रहा पानी, टपक रहा। बाल्टी रख, बाल्टी रख दे, बाल्टी रख दे नीचे, बाल्टी रख दे। अबे यार छाता तो उधर खोलो, मुंह पे खोल रहे हो। हाँ चाची चाय आ रही, चाय आ रही। अरे बरसात में चाय ना मिले तो मतलब क्या है, कितनी बड़ी बात है, आप हमारे दरवाजे आती हो, आपको प्रणाम करते हैं। हैं? हाँ हमारे पड़ोसी नहीं है शर्मा जी, अब उनका बेटा और बहू अभी नई नई शादी हुई तो चले गए हनीमून पे गोवा, गोवा चले गए, गोवा रहे 10-12 दिन, लौट आए। अब भैया मोहल्ले वाले जो उनको गाली दे रहे हैं, उनके रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, कहें कि यार थू थू करा दियो। हैं? अबे 10-12 दिन गोवा में रहे, एक भी ना वहां की फोटो डाली, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं। हैं? ऐसे कोई जाता है घूमने? कुछ लोग तो कहने लगे पप्पू अरे आए गोवा, हवा गई नहीं, गोवा गए नहीं, ये यहीं पे सीतापुर हरदोई रह के आए घूम के। गोवा जाते तो यार समंदर वंदर की फोटो सब भेजते, वहां क्लब के, नाइट क्लब के और फॉरनर के साथ तो खिंचाते फोटो, स्टीमर में बैठते वहां का फोटो, साला एक फूटी कौड़ी का फोटो नहीं, ऐसी बेइज्जती कर जाती है परिवार की। उनके मम्मी पापा मुंह नहीं दिखा पा रहे मोहल्ले वालों को, ऐसी थू थू करा दी इन लोगों ने। कौन? हम खुद जा रहे हैं आज गोवा चाची, हम गोवा जाएंगे और वहां देखेंगे ताजमहल। हैं? ताजमहल आगरा में? अरे कोई बात नहीं, समंदर तो होगा वहां, समंदर देख लेंगे। हाँ वहां पे वो खा लेंगे, वड़ा पाव खा लेंगे, वड़ा पाव चाची सब जगह मिल जाता है। हाँ वहां पे एक ठेलिया लगाता है वही आगरा में, और लिखे रहता है बम्बैया वड़ा पाव, बस मौज आ जाती है। नहीं? अरे परसों की बात बताएं, ये कनपुरिये लोग भी तो बेइज्जती करवाते हैं। अभी परसों गुमटी पे जो रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, गुमटी नंबर 5 के पास, अब वहां जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो आ रहे थे उधर से, तो भैया फाटक बंद, फाटक बंद, हम लोग भी बैठे थे अपने कार में ऐसे बैठे हैं कि भाई ट्रेन निकल जाए अभी फाटक खुलेगा ऐसे, अब फाटक बंद, एक पीछे चले आ रहे हैं गजोधर टाइप के। टाइम नहीं उनके पास, ना ना रुकेंगे नहीं भाई साहब, समय नहीं है, समय नहीं है। साइकिल को यूं यूं फंदा दिए, फंदा के ऐसे कंधे में लेके दौड़त दौड़त गए, और फंदा के और झम से निकल गए। अब बगल में हमारे कोई फॉरनर थे, वो आए थे कानपुर घूमने। अब भैया हमसे कहे हाँ इज वेरी स्मार्ट,
He's a very busy man. He don't want waste time. Maybe. हमने कहा हाँ कोई कोई लोग हैं हमारे कानपुर में जो मतलब एक एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, बिजी रहते हैं, मतलब टाइम को जो है फालतू इसे खराब नहीं करते, देखो रुका नहीं बंदा, कहने लगा जितनी देर रुकेंगे इतनी देर में तो पता नहीं हम क्या से क्या कर देंगे, तो इसीलिए व्यस्त होगा, व्यस्त होते हैं कुछ लोग, समय नहीं होता उनके पास, वो समय की वैल्यू समझता है। अब उसके बाद फाटक खुला, हम लोग आगे निकले, आगे पहुंचे तो वहां का देख रहे हैं बांस मंडी की तरफ, वहां पे वही साइकिल खड़ी करके टेका लेके अब जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, वहां जेसीबी वाली यूं लगी, यूं उठाए यूं डाले, यूं उठाए डाले, उनका मजा आ रहा, और उठाओ ऊपर और उठाओ नीचे लाओ, भैया इसमें हम बैठ सकते हैं इसमें। तब फादर बोला कि हाँ, तो यार हमारी जो है उसने पूरी किरकिरी करा दी, जितनी हमने उसकी तानी थी एक झटके में नीचे ले आया, ये यार हम त्रस्त हैं इससे, लोगों से त्रस्त चल रहे हैं। कल की बात सुनो चाची, कल हमारे घर में कटहल की सब्जी बनी थी, कच्चा कटहल ले आए थे इधर से पुखरायन से, कच्चा कटहल बना बढ़िया मसालेदार खाया हुआ, फिर दी गई खीर, उनका बढ़िया खीर दी, हमने कहा कोई चक्कर है। उसके बाद चाची हमारी पत्नी, आप तो जानती हो आपकी बहुरिया, हमारी पत्नी हमारे सीने पे सर रख के ऐसे ऐसे सहला रहे, जैसे नहीं कुत्ते को या बिल्ली को जैसे सहलाते हैं, पालतू जानवर को जैसे सहलाते हैं, सहला रहे हैं। हमसे कहने लगे कि सुनो सच सच बताना, हमारे अलावा तो कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में, देखिए सच सच बताइए, हमारे अलावा कोई नहीं ना आपकी जिंदगी में। वो टाइम पे भाई साहब हमारा योगा काम आ गया, योगा से हमने हार्ट बीट को ऐसा कंट्रोल कर लिया, ये औरतें हार्ट बीट सुनती हैं, कान में ही रखा था, उसकी स्पीड से धकड़ चकड़ उससे पकड़ती, अरे बहुत चक्कर है आजकल की औरतें, हाँ एक तरह से ये इनका नार्को टेस्ट है, हाँ पॉलीग्राफ टेस्ट समझ लो, जब ये पूछें उस समय लंबी सांस खींच के हार्ट बीट रोक लो। इसलिए कहते हैं भैया योगा किया करो, योगा बहुत सही चीज है ना चाची। चाची चलो आज आपके घर चल रहे हैं, आज आपके हाथ की चाय पियेंगे